greetings and welcome to me and Taro. तो चलो अभी है आज की उनके दिल की जज्बात, ठीक है? We are going to do the reading and we have to just over here. We got the energy oracle, then this Taro, okay? And we got the life navigator. Okay, काफी दिनों बाद मैं इस Taro को use कर रहा हूँ. Dear Taro, भी मुझसे कह सकते हैं. Let's connect to it. ठीक है? देखते हैं अभी Taro से हमें क्या reading मिलती है. सबसे पहले मैं करता हूँ cards की shuffling and let's connect to the cards. Okay, let's see. वाह, ये पहला card आ गया. ठीक है, कितने आ गए देखते हैं. दो कार्ड आ गए. ठीक है, चलो भाई दो कार्ड आ गए, दो कार्ड लेंगे. ओके, एक और कार्ड आ गया. कहाँ पे गया वो? यहीं पे था कहीं पे, एक मिनट. लेट मी, यस यही है वो. यस ये आ गया. ठीक है, और ये भी है शायद से. यस यस, चार कार्ड हो गए. और देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं. ठीक है, चार कार्ड तो आ गए. यस, और ये भी कार्ड आ गए हैं. छः, और एक और कार्ड निकालते तो हो जाएंगे टोटल सात कार्ड. ठीक है, लेट्स कनेक्ट. यस, मिल गया, ये है वो. जब एनर्जी फ्लो होती है, यू नो, एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है, तो यू गेट द कार्ड्स जस्ट इन नो टाइम. यस, कि हमारे कार्ड्स भी स्ट्रेट हैं. यस, चलो भी तो देखते हैं क्या है रीडिंग. आई होप यू कुड सी दैट. पहला ही जो कार्ड है वो एट ऑफ पेंटिकल्स. मुझे स्वाद लगा कि एट ऑफ पेंटिकल्स है. पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाटएवर यू डू, सक्सेस इज श्योर टू फॉलो. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो अर्थ साइन यहाँ पे टोटली आ चुका है. दैट्स ऑल अबाउट इट. आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू फ्रॉम द होल हार्ट एंड विथ पैशन. ठीक है, अगर हम इन साइंस को देखें, टॉरस हो गया, ओके, वर्गो हो गया एंड कैप्रिकॉन हो गया, ये ऐसे साइन हैं कि जो दिल से जुड़ते हैं एंड भावनाएं इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं. मतलब ऐसी भावनाएं हैं कि अगर ये भावनाओं को पक्का समझे तो ये आपके लिए एंड तक साथ रहेंगे, ओके, एक्सट्रीम तक जाएंगे. ये जो जज्बा है वो इस अर्थ साइन की वजह से होता है. ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए. ये ऐसे लोग नहीं हैं कि जो व्यक्ति देखे और भाग खड़े हुए कि इसके पीछे उसके पीछे, नहीं. ये अगर किसी से शिद्दत से प्यार करे तो करते रहेंगे एंड तक. ठीक है, सो या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्सन जो इस साइन का है, मे बी अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर समय ले रहा है, तो इसलिए कि वो शायद परख रहा है कि हाँ सच में जो उसने चाहा है क्या वही आप हो. ओके, वही हो कि भाई चलो आज मैंने अगर आपसे हाँ कही तो क्या आप जीवन भर के लिए मुझे हाँ कहोगे. देखा गया है कि कई लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, समबडी लाइक्स द लुक्स, समबडी लाइक्स द बॉडी, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो दिल देख रहा है. ऐसे में दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, वो टूट ही जाएगा. एंड फिर जो तकलीफ होती है उसी कारण, यू नो, वर्गो जो साइन है वो या तो मोस्टली अनमैरिड रहते हैं, या तो अगर दिल टूट गया तो यू जस्ट कांट सी हैप्पीनेस इन देयर लाइफ एवर अगेन. टॉरस बहुत पैशनेट होते हैं. काफ़ी सिंगर्स जो हैं, क्रिस ब्राउन हो गए या फिर एकॉन हो गया, आई थिंक एनरिक, वो भी टॉरस साइन की है, यू नो. तो टॉरस में पैशन बहुत होते हैं. यू कैन जस्ट कनेक्ट फ्रॉम देयर पैशन एज वेल. मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पैशन होते हैं उनमें. लेकिन अगर एक बार दिल उड़ गया तो फिर आप इनको किसी भी तरीके से मना नहीं कर, मतलब मना ही, यू कैन जस्ट हैव देम बाय योर साइड. ओके, दे कांट फॉलो यू बैक अगेन एवर इन लाइफ. तो एक बार, तो आई थिंक ये पर्सन अगर थोड़ा डिले कर रहा है, ये इसीलिए कि चाह रहा है कि क्या सच में आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ अंत तक चलेगा. अगर है तो दिस पर्सन विल बी विथ यू फॉर एवर. तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये आता है फ्रॉम द एट ऑफ पेंटिकल्स. नाउ जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे, इट इज ऑल अबाउट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, इट इज लियो सैज. It's time for you to take action. No more planning or thinking about things. Just move forward in the direction you want to go. जैसे मैंने कहा कि ये person थोड़ा समय ले रहा है just to understand कि क्या आप वो person हो. और अगर आप वो person हो, एक बार इनको पता चल गया तो फिर वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचेंगे कि क्या आपके पास इतने रुपए हैं, क्या आपके पास society में नाम बड़ा है आपका, आपने कितना कमा के रखा है, क्या आपकी job stable है. They will not look for that. एक बार उन्होंने अपना मन पक्का कर लिया तो ये पर्सन हद से ज्यादा आपको चाहेगा. ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से बस एक ही बात आती है कि किसी भी तरीके से इनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है. ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बिना सोचे अगर एक बार आपके साथ आने को तैयार होता है तो आप उसको किसी भी तरीके से डांटने का हक खो बैठते हैं. क्योंकि प्यार के मुकाबले जितना प्यार वो आपको देते हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं उनको देने को. फिर
समझ में आ गई बात। एक बार ऐसे कहा गया था यू नो कि कृष्ण की जो थी तुला कर ली जाती थी, यू नो, एंड कितना भी कुछ करो सोना इतना डाला लेकिन कृष्ण की तुला जो थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। नारद जी ने कहा कि तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, जैसे तुलसी का पत्ता डाल दिया वो तुला कंप्लीट हो गई। कैसे हो गई कंप्लीट? तो ये जो प्यार है, जज्बा है, वो आप किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ऋषि कार्ड यहाँ पे वही क्वीन ऑफ सोर्स, वाह, यहाँ के जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तीन अलग अलग साइन आ चुके हैं। पहला आ गया अर्थ साइन, देन गॉट दी फायर साइन, देन गॉट दी एयर साइन। विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग्स टू डील विद कंफ्यूजिंग पीपल। यस, ये हो रहा है। आई थिंक दोनों में से कोई व्यक्ति कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, फिर कंफ्यूजन में जी रहा है। कंफ्यूजन में कैसे? ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि भाई कैसे इनको मनाऊं, रेडी करूं या फिर क्या उनसे कहूं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो अपनी दिल की बात किसी तक पहुंचा नहीं रहे हैं। एंड भी इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने हाथ तो कर दिया लेकिन अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? मतलब आर यू गोइंग टू गेट मैरिड, आर यू गोइंग टू गेट एंगेज, आर यू गोइंग टू से दैट वी आर कमिटेड, आर यू गोइंग टू से दैट नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन हमने बोल दिया दैट वी आर लवर्स। मतलब क्या है वो नेक्स्ट स्टेप कि भाई 6 महीना रुकना है, 2 साल रुकना है, पहले स्टेबल होना है या फिर अब मैं निर्धास हूं? तो ये जो बातें हैं वो कोई क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने क्या, ये पर्सन जानना चाहता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने अगर अपने जज्बात आपके सामने कह दिए तो अब आप क्या करते हो? क्या आप इनके जज्बात को कबूल करते हो? क्या आप इनको लेके कोई प्लानिंग करते हो कि भाई नेक्स्ट मेरा ये मूव होगा या फिर समथिंग दैट यू गोइंग टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी? ये क्या है, ये शायद ये पर्सन ज्यादा मिस कर रहा है। थिंक अबाउट द जजमेंट, ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड डोंट टेक अदर्स जजमेंट ऑन योर हार्ट, दैट्स वन थिंग। यहाँ पे आई थिंक किसी की फैमिली, किसी के फ्रेंड्स, ओके, किसी के रिश्तेदार, किसी के एथिक्स भी आ सकते हैं। ओके, क्योंकि पहली बात तो खुद को जज मत करो। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के प्यार में पड़े हो जो आपसे बहुत दूर रहता है, जिसके अंडरस्टैंडिंग अलग है, जैसे कि आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो वो थोड़ा लेट उठता है, आप थिन हो वो थिक है, वो अलग भाषा बोलता है आप अलग भाषा बोलते हो, उसकी जो संस्कृति अलग है आपकी संस्कृति अलग है, सो कैसे यू फॉल इन लव विद दैट काइंड ऑफ पर्सन? आपका दिल ये नहीं जानता, दिल बस सामने वाले के दिल को देखता है। दिल मिल गए, दैट्स इट। जजमेंट कब आती है कि हम किसी की बात सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई उसने ये कहा है, किसने क्या कहा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तक कि जब तक आप उसकी बात को दिल पे ना ले। ओके, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, ठीक है, वो एक कंपनी में गया था जॉब करने के लिए, एंड इट वॉज अ क्वाइट डिसेंट कंपनी। ठीक है, उसको जो चाहिए था वो सही, सभी तरह की चीजें वहां पे कंपनी में थी, लेकिन पता है क्या हो गया, जब उसकी बारी आने ही वाली थी, इंटरव्यू का वो लास्ट पार्ट था, तभी वहां के जो ट्रेनर थे, वहां का जो पर्सन था, उन्होंने कुछ ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी वजह से ये अपनी राह भटक गया। इट वॉज समथिंग अबाउट यू नो कि भाई इज देयर समबडी इन योर लाइफ, तुम क्या करते हो, किससे बातें करते हो, कैसे तुम अकेले रहते हो, तो ये ऐसी बातें हुई कि इसका ध्यान भटक गया एंड वो उस इंटरव्यू में फेल हो गया। नाउ हु वाज रिस्पॉन्सिबल? उसने इन लोगों की बातों को अपने दिलो दिमाग पे हावी होने दिया। परिणाम क्या हुआ? जो इसको पाना था वो इसके दूर चला गया। सिमिलरली अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी दूसरे ने कहा, कह रहे तुम क्या कर रहे हो ये, और आपने उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आप इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यही बात यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कार्ड है, अगर ये सिलसिला आपके लवर के साथ हो रहा है या फिर आपके साथ, सो डू पे अटेंशन टू इट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है टेन ऑफ कप्स। लव योर रिलेशनशिप्स, एम्ब्रेस पीपल फ्रॉम हार्ट, फिल देयर हार्ट विद जॉय। ठीक है, सो ये कार्ड क्यों आ गया है आपके जजमेंट? मतलब क्या है, किसी ना किसी को जजमेंट को ब्रेक करना होगा। आप में से शायद कुछ कपल ऐसे होंगे जिसने किसी की बात सुन के कि घर में झगड़ा हो रहा है या फिर शायद ऐसा हो सकता है, शायद इसको मान के आगे बढ़े ही ना, यू नो, और अपने रिश्ते को वहीं पे ठुकराया होगा या फिर छोड़ा होगा। ये उसके बारे में नहीं है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे, जिन्होंने भी ये डिसीजन नहीं लिया है, ये उनके बारे में कि टेन ऑफ कप्स, एवरीथिंग गोना बी परफेक्ट,
लेकिन उसके लिए आपको दूसरे के ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका दिल, ये आपका दिल है और आपका दिल क्या चाहता है ये बस आप जानते हो, राइट। हाँ, आपकी माँ हो या आपकी कोई बहुत ही प्यारी बहन या बहुत ही प्यारा भाई हो, वो आपको कुछ कह सकता है एंड आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी चाहत क्या है। अगर मान लो ये आपका सपना है और अगर किसी ने कहा कि भाई ये सपना हकीकत बने तो क्या तुम इसको संभाल पाओगे, तो खुद को सवाल करो कि क्या तुम इस सपने को निभाओगे। और अगर निभाओगे तो वहां पे जजमेंट नहीं आता, वहां पे आता है बदलाव, लाइक डेथ। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप खुद को और सामने वाले पर्सन की उम्मीदों को लेके आगे बढ़ सकते हो, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 of Swords। ये क्यों आ गया है भाई? जैसे मैंने जिस तरह से कहा 10 of Swords का मीनिंग, 9 of Swords यहाँ पे वही कह रहा है कि लुक अराउंड, देयर मे बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ ब्रांड न्यू डे। ओके, कि मतलब कहीं ना कहीं कोई एक चीज आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, या तो आप किसी चीज से डर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा ही नहीं। डोंट गेट पैसिव इन योर लाइफ। ओके, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर व्हाट शुड आई से इन लाइकवाइज, ये पर्सन भी अगर ऐसा सोच रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द नाइट देयर विल बी अ डे, है ना। जैसे ही रात खत्म होगी दिन आएगा, और जैसे ही एक टनल आएगा यू नो, तो उसके एंड में आपको लाइट मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सोचने की क्या आपका दिल इन सब के लिए तैयार है। नाउ जो लास्ट 3 कार्ड्स बचे हैं उसमें से पहला कार्ड है डेथ। जो मैं कह रहा था कि डेथ आना चाहिए वो आ गया यहाँ पे। स्कॉर्पियो का साइन, इट्स रीबर्थ इनटू समथिंग गुड, यू हैव टू लेट गो ऑफ वन थिंग टू मेक रूम फॉर समथिंग बेटर। आप देखा आपने क्या यहाँ पे क्या लिखा है भाई, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पहले कोई चीज आपको देनी होगी। प्यार पाना है तो पहले प्यार देना होगा। ऐसे अपने कई सारे कपल देखे होंगे जहाँ पे रिश्ता जो है वो अरेंज मैरिज किया होगा, या फिर दोनों ने बस तब कहा कि हाँ वी अंडरस्टैंड ईच अदर, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं भाई इनकी जो आदत है मैरिज से संभाली नहीं जाती, तो क्या है आप वो चीज छोड़ने को तैयार नहीं हो। चाहे आपका ईगो हो, एटीट्यूड हो, चाहे आपकी हैबिट हो, आपकी हॉबी हो, आप करके नहीं भाई मुझसे नहीं होगा तो फिर रिश्ता निभाया नहीं जाएगा। तो वही मैं कह रहा था कि आपको अगर किसी की भी अंडरस्टैंडिंग करनी है, इफ यू बिलीव इन समबडी देन बिलीव दैट, आपको बदलावों की श्रृंखला से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 8 of Swords एंड जो फिनाले कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। भाई 8 of Swords में क्या कहता है, इट इज आवर फियर दैट अनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड, यू नो हाउ टू फ्री योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डोंट पैनिक। हमारा डर ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। ओके, अब देखो आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया, आप लड़का हो लड़की हो, आपको कोई पसंद आ गया और आप उनके बारे में सोच रहे हो। अब अगर किसी ने आपके दिमाग में ये डर बिठाया, व्हाट इफ पहले ही मोमेंट में उस पर्सन ने कहा विल यू मैरी मी, डर बैठ जाएगा कहीं उन्होंने मुझे सीरियसली ले लिया तो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, इससे अच्छा है मैं उनसे बात ही नहीं करता। समझ में आ गया, डर जो है वो इतना फैलता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। सो उसके लिए बहुत जरूरी है खुद को फ्री करना। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने की सोची है तो डोंट वरी अबाउट इट, एंड समय बलवान है, समय सब चीजें सॉर्ट आउट कर ही देता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भी डेस्टिनी का कार्ड, डिवाइन का कार्ड, कि पे अटेंशन अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बस ध्यान दो, सही समय पे सही मौके आपके सामने जरूर आएंगे, तो आप उस वक्त कोई एक्शन ले सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं कि भाई इस एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। बस कुछ ही कार्ड हम लेंगे बिकॉज टैरोस में हमने कुछ समय दिया है। ठीक है, देखते हैं 1, 2, 3 फाइनली ये 4। चलो, 4 ही कार्ड हमने लिए हैं, 5वां कार्ड हम नहीं ले रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या रीडिंग यहाँ पे आती है। हियर वी गो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन, सूरज का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा है रिगार्डिंग योर सोल, लाइट की तरफ ही कनेक्शन जाता है, यानी कि फ्यूचर की तरफ आपका कनेक्शन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, श्रद्धा स्थान यहाँ पे हमें दिखता है।
व्यक्ति। तो यहाँ पे कुलदेव कुलदेवी आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जो सबसे बहुत पावरफुल है आपके घर में, वो लोग यहाँ पे आते हैं, आपका कनेक्शन आता है, आपका प्यार और लम्हा भी आता है। यानी कि बिलीव करो, डिसबिलीव बिल्कुल भी ना करो। नाउ सेकंड जो कार्ड यहाँ पे इनके लिए आ गया, वो थर्ड चक्र आर्चेंजल केमियो, ठीक है, ये आ गया थर्ड चक्र। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई बिलीव अगर हो गया तो आपको इससे पीछे नहीं हटना है। अगर ये पर्सन भी आपको कहता है कि भाई आई बिलीव इन यू, तो फिर डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डाउट को लेकर चलते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ओके, मान लीजिए कि आप न्यूली ड्राइविंग सीखे हैं और आपको किसी जगह पर जाना, किसी ने कहा कि भाई वहाँ तो बहुत भीड़ है, और आप सोच रहे इस भीड़ में मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, तो मैं गाड़ी निकालती नहीं। देखो, डर का सामना करने से पहले ही आप हार मान गए, किसके वजह से? डाउट। सो डाउट आपको और इस पर्सन को नहीं करना है। नेक्स्ट जो दो कार्ड है, फोर्थ चक्र आर्चेंजल राफेल, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। इन दोनों का जो मतलब आ रहा है वो ये कि भाई सभी सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे, और अगर आप दोनों मिलके साथ देते हो तो आपको जैसे कि यहाँ पे एक दरवाजा मिल गया है, वैसे ही कुछ चीजें आपको मिल सकती है कि कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। फोर्थ चक्र आर्चेंजल राफेल है, बिलीव इन दैट, आपके हार्ट को स्ट्रांग करो और वो सभी चीजें सही तरीके से आपकी जिंदगी में हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द लाइफ नेविगेटर डेक। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, हमें बस दो कार्ड चुनने हैं, ठीक है। लाइफ नेविगेटर से देखते हैं कौन से दो कार्ड है। पहला कार्ड आ गया और दूसरा कार्ड देखते हैं जो कि है ये। चलो, दो कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है सीड्स ऑफ अबुंडेंस। ओके, नेचर अनुसार अबुंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग और गिविंग रादर देन होल्डिंग, इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी टू द होल। तो अबुंडेंस का मतलब है कि भाई देते जाओ एंड प्यार पाते जाओ, राइट। अगर आपको इनके ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है, सो बिलीव इन दैट। अगर आपको कह रहा है कि भाई थोड़ा सा और इंतजार करो, या फिर मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सोचने की जरूरत है, सो उनको समय दो, उनको प्रिपेयर होने के लिए समय दो। विद इन अ मोमेंट ये पर्सन बदलने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर ये पर्सन अर्थ साइन है तो समय जरूर लेगा, लेकिन एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी भी हालत में कमिटमेंट को नहीं तोड़ेगा, पॉसिबिलिटी यही है। और जो लास्ट कार्ड है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज, लाइक लाइफ इटसेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। क्या मतलब इसका? कि भाई हमें सिल्वर लाइनिंग्स जो है, या फिर जैसे हम कह रहे हैं कि भाई रेनबोज, या फिर बहुत ही अच्छे मोमेंट कब आता है जिंदगी में? कितनी बार कहते हैं कि भाई आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया, कितनी बार हम कहते हैं? कोई त्यौहार हो तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, ऐसे कितने दिन आते हैं? तो बात यह है कि ये दिन होते ही हैं, लेकिन बस हमें दिखते नहीं हैं। आप इन चीजों को पा सकते हो अगर आप भरोसा करो, ये चीजें मेरे साथ हो सकती है, हो रही हैं और जरूर होगी। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, माय लवर इज गोइंग टू बी विद मी अलोंग विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरी वेलविशर, तो आपका हर दिन इतना खूबसूरत बन सकता है। विद रीडिंग आई होप इट विल रिजल्ट। थैंक यू।